नमस्कार, मैं रोशन राठौड़, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज 24। खबर है कुचामन से, जहां ज्वेलर्स के घर हुई लाखों रुपए की चोरी। मारोड पुलिस पहुंची घटना स्थल पर। नागौर जिले के नावा उपखंड के मारोड थाना क्षेत्र में शामगढ़ में बीती रात ज्वेलर्स के घर लाखों रुपए के जेवरात व नकदी चोरी हो गए। जानकारी के अनुसार शामगढ़ के वार्ड 3 में देर रात एक ज्वेलर्स के घर लाखों रुपए की चोरी हो गई, जिसमें करीबन 400 ग्राम सोना व 8 से 10 लाख रुपए नकदी चोरी होना बताया जा रहा है। चोरी की सूचना मारोट पुलिस को दी गई और पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। ज्वेलर छितरमल ने बताया कि आगामी 16 फरवरी को होने वाली शादियों के ऑर्डर लिए हुए थे, इसके लिए ज्वेलरी और नकदी घर में रखे थे। देर रात चोरों ने कमरे व अलमारी का दरवाजा तोड़कर लाखों का सामान ले गए। मैं चितमल सोनी, जिला नाम मोहन लाल सोनी, शामगढ़। रात 3 बजे मैं माता जी ने मेरे को जगाया और जगाने के बाद नीचे आके देखा तो सभी ऊपर की छत का लोग टूटा हुआ था। जाल बिगड़ो है। नीचे आया तो सामान सारो बिगड़ो, मान सोनो चांदी जेवरात केस जगह सब लेगा। और सावा की सीजन भी मान कम से 500-600 ग्राम को उठा दूँ सावा को। बाकी जो भी हो जेवरात केस 8 लाख केस है, और एक रुपये भी सब डबाऊँ कार्ड उन सब खाली कर पकाएगा। अनुमानित सामान क्या है? हमें सामान तो ऑर्डर का जो मतलब शादी सीजन चल रही है, लोगों का ऑर्डर आया हुआ था। 600-700 ग्राम सोना तो वो था, 200-300 ग्राम सोना मेरे माता जी का, मेरे घर उनका था, और 8-10 लाख रुपए केस था। चांदी कम से 15 से 20 किलो चांदी, अंदाज 6-7 किलो की पाजी भी थी और शिल्ली।